बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं इस टाइम काउंटर वाटरफॉल पे। हम मेरे एकम में देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल एक सफ़ेद कलर का, बिल्कुल वाइट जो पानी है वो वाटरफॉल नीचे गिरी है, जिसकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा शोर भी है। लेकिन यहाँ पे इतना खूबसूरत ये व्यू है, बैक साइड से हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे, करीब पर नज़र आ रही है बिल्कुल। और ये जो है ना, एक दफ़ा आने में आपको इतने ज़्यादा जो है व्यूज मिल जाते हैं। और मेरे साथ कुछ आज मौजूद है कुछ टूरिस्ट, आज हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है सामने को खास खास कैसा लगा आपको आज और इतनी एक एडवेंचरस एक्सपीरियंस आपको कुछ ही बोलना पड़ा धन्यवाद पूरे आगे। और यहाँ का जो एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगी वो क्या है? चलिए आप हमारे साथ कुछ और टूरिस्ट भी मौजूद हैं, डॉक्टर दिशा जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनका ये फर्स्ट टूर है हमारे साथ, और इनको कैसा फील किया है, कैसा फील किया है? और आज के जो हमारे जैन साहब हैं, जैन साहब आप प्लीज बताइए, ये इन्होंने आज जो है ना जीप ट्रैक जो छत के ऊपर बैठ के किया है, तो जैन साहब अपना एक्सपीरियंस जल्दी शेयर कर रहे थोड़ा एक्सपीरियंस नू एवरी डे इन माई एक्सपीरियंस इज वेरी अमेजिंग। इस दफा थोड़ा डेंजरस था, बट हम सब समाइम तो यार क्या हो रहा है अभी, मैं कुछ गेम ना चाहूँगा, बट माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी वेरी अमेजिंग। वेरी हैप्पी ओके आएंगे आगे, कुछ लोग मौजूद हैं वो थोड़े से वीडियो बनाने में शर्माते हैं, लेकिन आज हम जरूर वीडियो बनाएंगे। क्यों चले हमारे साथ मौजूद है गुड़िया और लग रहा है कि जैसे हम पता नहीं किस जगह पे आ चुके हैं, और कमाल का जो है ना वो एडवेंचर चल रहा है। हाफिज साहब ने बहुत एंटरटेन किया है, जो वीडियो बना रहे हैं इखलाक भाई ने, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू उधर मज़ा ही आ गया। ये हमारे कैमरा मैन भी साथ मौजूद है, नहीं अभी हमारे भाई यहाँ पे बैठे हैं। जी भाई आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं आप यहाँ पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो यानी कि स्टार्ट में तो इतना खास नहीं था, लेकिन अब इतना प्यारा यहाँ पे इसका मौसम हो चुका है, यहाँ जन्नत से कम नहीं है। अल्लाह पाक देखते हैं तो फिर पता चलता है अल्लाह पाक ने इंसान
बेशक अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात में बहुत ज़्यादा सारी कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा मतलब एक दूसरे को बैठ कर बैठ कर गाइड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी है क्योंकि सोवर इंशाल्लाह। अब हमारे साथ अभी भाई मौजूद हैं जिनके बदौलत ये हमारे टूर गाइड हैं यहाँ पे, इनसे इनकी बदौलत ही हम इस पॉइंट को जो है ना एक्सेस कर सके हैं। और अभी भाई आप अपने हमारे नाज़रीन के साथ कि आपको हमारे साथ आगे कैसा लगा और थोड़ा इस रैली के बारे में भी लोगों को ज़रा बताते चले। इस जगह तो हम खड़े हैं, ये शॉर्ट रैली ये बाइट रैली है, यहाँ से आगे फिर गिलगित बल्तिस्तान स्टार्ट जा रहा है, ये आखिरी है जान ये आखिरी कौन है और यहाँ के जो ये बाइटर खाल है ये बड़ा शानदार है, जबरदस्त है। आप जरूर आएँ आपके साथ क्योंकि यहाँ का जो अभी आप 11 जून है, 11 जून में अभी अपनी सर्दी लगी, हमें जैकेट वगैरह पहन लिया, तो जब भी आप लोग आएँ अपने साथ जैकेट्स वगैरह गर्म चीज़ें साथ लेके वो जी। तो नाज़रीन आज का हमारा जो टूर है वो अच्छा जा रहा है, जो आप देखते हैं मेरे पार्टिसिपेंट हैं हमारे आज के टूर के वो काफ़ी इंजॉय करें, आज तो लोग थक चुके हैं एक हक्टिक ट्रैवलिंग की, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह देखने के बाद सारे लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि मैं बता नहीं सकता। और बता देखो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी पाँच साल घूमा हूँ, काफ़ी नॉर्दर्न एरिया वगैरह में मैं गया हूँ, लेकिन जो ये होती है आप मेरे लेफ्ट साइड पर देखें जो शानदार वाटरफॉल दे रहे हैं और मेरे राइट साइड पर आप देखें तो हरी पर्वत है जो कि आप देखें बहुत खूबसूरत किस्म का एक जो है ना पहाड़ी सिलसिला है जो कि सफ़ेद जिसके सफ़ेद कलर की चादर जो है ना ओढ़ी हुई है और आपको हर तरफ बर्फ़ और ऊपर क्लाउड चलते हुए नज़र आएंगे, जो एक बड़ा जो है ना पुरसकून और एक सैरफोर जो है आप कह लें कि एक नज़ारा पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन आप मिलते हैं चला एक नए ब्लॉग में किसी एक नए जो है ना स्पॉट पे, और तब तक के लिए मुझे इख्लाक रहना को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।